जी हाँ, बाइक वहाँ पे पार्क किया हुआ है और देख लो, ये है गुवाहाटी रोपवे, लॉन्गेस्ट रोपवे इन इंडिया। हाँ जी हाँ गाइस, तो फिलहाल मैं आज गुवाहाटी पर हूँ। आज 9 नवंबर है और मैं इस जगह पे आया हूँ। मैं ये रोपवे का मदद से मैं नॉर्थ गुवाहाटी जा रहा हूँ अभी। और फिलहाल ये चलिए 60 रुपीज़ प्राइस ऐसा होगा शायद, कुछ अप डाउन का नहीं, सॉरी 60 रुपीज़ प्राइस टैग है इसका। और अगर आपको अप डाउन करना है तो 100 रुपीज़ एक बार में 3 घंटा, मतलब वहाँ जाके आप लोग घूम सकते हैं नॉर्थ गुवाहाटी। और अगर आप लोग सिर्फ जाने का बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो 60 रुपीज़ लगेगा उसके लिए फिलहाल। तो फिर बहुत सारा आदमी है तो रुकने पड़ेगा हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर पर, मतलब फुल हो गया है अभी, तो उसके लिए रुक रहा हूँ मैं। फोर पिकॉक आइलैंड तो फिलहाल जो रोपवे का एक्सपीरियंस, मतलब जो वहाँ से स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, जब मैं डाउन नाम जाते हैं उस समय में, मतलब थोड़ा अलग से फीलिंग हो जाता है, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है। 100 रुपीज़ चार्ज लिया हुआ है जाना आने का, दो आदमी का 200, मतलब 100 रुपीज़ से आप लोग 3 आवर्स यहाँ नॉर्थ गुवाहाटी पर घूम सकते हैं। अभी इस तरह से ये मंदिर है, इस तरह कौन सा मंदिर है? हम लोग इस तरफ से आया था और हम इस तरफ जा रही है क्योंकि अंकल ने बोला कि इस तरफ मंदिर है, तो मंदिर देखने जा रहा हूँ। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है इसमें, वैसे हमको आसामीस पढ़ने तो नहीं आता है, मतलब क्या मंदिर है पढ़ लो। तो गाइस हाथ धो लिया, आप लोग दर्शन कर सकते हैं या हाथ पैर धो के दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। वैसे ये कृष्णा मंदिर होगा, से राम कृष्णा ऐसा कुछ मंदिर होगा, मुझे पढ़ने नहीं आता, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है उसका जो हिंदुज़म का। हाँ तो फिलहाल इस शिव स्टेशन है और देखो आप लोग को ये मंदिर जाना होगा, आप लोग के स्टेशन से उतरने के बाद लेफ्ट तरफ पे आ सकते हैं, लेफ्ट से थोड़ा नज़दीक बढ़ जाएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम नॉर्थ गुवाहाटी।
Till then, see you on the next vlog. Bye.